बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंपैरेटिव माइक्रोबियोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने माइक्रोबियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर कर लिया था। हमने ये पढ़ा था कि कौन से बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, कौन से बैक्टीरिया मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, एसिड फास्ट कौन से होती है, कैप्सूल किन के पास होता है, बायोफिल्म कौन से प्रोड्यूस करती है, पिगमेंट कौन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से बैक्टीरिया की यूनिक मॉर्फोलॉजी होती है, ओके इनका। और उसके बाद वायरल साइटोपैथोजेनेसिस पढ़ा था कि किन के अंदर आउलई बॉडी होती है, नेगरी बॉडीज़ किस में होती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको प्रीवियस यानी जो प्लेलिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी की वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पैथोजेनेसिटी के डिटरमिनेंट्स को पढ़ने वाले हैं, ओके। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पैथोजेनेसिटी को डिटरमिन करते हैं। पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो पैथोजेनिक फैक्टर को इनकोड करते हैं। जो जीन्स होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए हो सकते हैं, या प्लास्मिड के ऊपर हो सकते हैं, या बैक्टीरियोफेज का जीनोम हो सकता है। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं ये एंडोटॉक्सिन को इनकोड करते हैं। यानी जब हम एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का फर्क पड़ते हैं तो जो एंडोटॉक्सिन होते हैं इसको इनकोड करने वाले जीन्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जबकि एक्सोटॉक्सिन के जो जीन होते हैं वो प्लास्मिड के ऊपर और बैक्टीरियोफेज के जीनोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स जो प्लास्मिड होता है एक्सोटॉक्सिन और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस के जीन को इनकोड करता है। एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि प्लास्मिड के ऊपर किस किस टाइप के जीन्स होते हैं, यानी प्लास्मिड के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन रिलेशनशिप क्या होता है। तो आपने बताना है कि प्लास्मिड के ऊपर 5 टाइप के जीन्स होते हैं, ओके। कितने टाइप के? 5 टाइप के। और इसका मिमोनिक होता है पेयर, पी से पिलाई और फिम्ब्रियाई कहते हैं, ई से एक्सोटॉक्सिन है, ए से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और आर से रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हैवी मेटल और अल्ट्रावायलेट, और इसके साथ हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये जीन प्लास्मिड के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज का जीनोम होता है। जब बैक्टीरियोफेज का जीनोम होस्ट डीएनए में स्टेबल इंटीग्रेशन करता है तो उसको कहते हैं प्रोफेज, ओके। और इस प्रोफेज की वजह से जो विरुलेंसी होती है उस फेज डीएनए की बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद विरुलेंसी मॉडिफाई हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। अब जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम होता है वो कौन कौन से या किन किन के एक्सोटॉक्सिन को इनकोड करता है, लाइक कोलेरा टॉक्सिन है, साल्मोनेला ओ टॉक्सिन ओ एंटीजन है, बोचुलिनम एंटीटॉक्सिन होता है, ओके। इसके अलावा एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का, डिफ्थीरिया टॉक्सिन है जिसको कॉर्निफेज बीटा बोलते हैं, शिगा टॉक्सिन होता है। इसका मिमोनिक होता है को बैट, यानी जब दो बंदे बैट को शेयर करते हैं तो फिर एक बंदा लेटर प्रेग्नेंट हो जाता है विद फेज। ये मेन कहता है कैप्लान कहती है को बैट्स। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एंटीजेनिक वेरिएशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके एंटीजन बार बार वेरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को इवेट कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। एक तो आपने पढ़ा था कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, सॉरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके अंदर भी एंटीजेनिक वेरिएशन होती थी, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, एंटीजेनिक शिफ्ट होती थी, वो यहाँ पे लिखी भी नहीं है। एचआईवी है, ट्राइपैनोसोमा ब्रुसाई है, ये प्रोटोजोआ है, बोरेलिया रिकरेंटिस है, और नाइजीरिया गोनोरियाई है, इसके पिलाई के ऊपर एंटीजन पड़े हुए होते हैं, जबकि नाइजीरिया मेनिंजोकोकस इसके जो एंटीजेनिक वेरिएशन होती है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के ऊपर पड़ी हुई होती है। अब आप एक्सोटॉक्सिन वगैरह को पढ़ लेते हैं। जो टॉक्सिन होते हैं आपको बताया था कि टॉक्सिन दो कैटेगरी के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन होते हैं, ओके ठीक है। तो जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं और एंडोटॉक्सिन होते हैं इनमें क्या फर्क होता है? जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर होते हैं और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर होते हैं, एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन है ये सेल से सिक्रेटेड होते हैं, एंडोटॉक्सिन सेल वॉल का कंपोनेंट होते हैं, सिक्रेटेड नहीं होते। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड नेचर होती है, लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड के होते हैं। मैं आपको यहाँ से डिफरेंस दिखाई देता हूँ, ओके। तो ये डिफरेंस है। जो एक्सोटॉक्सिन के जीन होते हैं प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज के ऊपर पड़े हुए होते हैं, एंडोटॉक्सिन के जीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ज़्यादा टॉक्सिटी एंडो नहीं की सॉरी एक्सो की होती है, यानी अगर 1 माइक्रोग्राम हो कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, ओके। क्लिनिकल इफेक्ट इनके ज़्यादा होते हैं, इनके फीवर और शॉक होते हैं। मोड ऑफ एक्शन इनका वेरियस मोड होते हैं, इसके TNF होते हैं। एंटीजेनिसिटी, ठीक है, यानी ये हाई टाइटर एंटीबॉडी को इंड्यूस करता है, ये प्योरली इम्यूनोजेनिक एंटीजेनिक होते हैं। इनका यूज़ होते हैं कि वैक्सीन में यूज़ हो सकते हैं एज अ टॉक्सॉइड, लेकिन ये वैक्सीन में यूज़ नहीं हो सकते। अब हीट के स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक्सेप्ट स्टेफिलोकोकल एंटीटॉक्सिन है, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ये हीट स्टेबल होते हैं, ओके। तो इसकी टिपिकल डिजीज है टैटनस, बोचुलिनम, डिफ्थेरिया, और इसकी एग्जाम्पल है मेनिंजोकोक्सीमिया एंड सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव रॉड। तो ये एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन का डिफरेंस हो जाता है, ओके। तो आपका फर्क समझ आ गया होगा कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस को पढ़ लेते हैं ड्यू टू टॉक्सिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, पहले आपको बताता जाऊँ कि जो टॉक्सिन होते हैं स्पेसिफिकली जो एक्सोटॉक्सिन की बात करते हैं, अभी एंडोटॉक्सिन को हम एक साइड पे कर देते हैं। जो एंडोटॉक्सिन होता है ग्राम नेगेटिव में होते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर होते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर एक्सोटॉक्सिन मौजूद नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव रॉड में भी होंगे और ग्राम नेगेटिव रॉड में भी होंगे। अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्टाफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर दो कैटेगरी आती है, बैसिलस, जो ग्राम पॉजिटिव रॉड है स्पोर फॉर्मियम बैसिलस और कोलिस्ट्रिडियम है,
जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग में कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया आई है, ठीक हो गया ओके। जबकि ग्राम नेगेटिव डॉट के अंदर ईकोलाई है, शिगेला होते हैं, विब्रियो है और बॉडीटुला पर्टियोसिस है। तो बॉडीटुला पर्टियोसिस है ग्राम नेगेटिव डॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया आई है, डिफ्थीरिया करवाता है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो करता है क्या है कि एडीपी राइबोसाइलेशन करता है। एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से एलोंगेशन फैक्टर 2 की इनएक्टिवेशन होती है। अब जो एडीपी राइबोसाइलेशन होती है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया वाला टॉक्सिन करता है। इसके अलावा विब्रियो कॉलरा वाला करता है एडीपी राइबोसाइलेशन से। बॉडीटुला पर्टियोसिस ये भी एडीपी राइबोसाइलेशन करता है और ई कोलाई का हीट लेबाल टॉक्सिन है वो भी एडीपी राइबोसाइलेशन करता है। जबकि ब्लडी डायरिया करवाने वाला जो शिगर टॉक्सिन है वो करता क्या है, वो एडेनिन को रिमूव कर देता है, ठीक हो गया। तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया है ये एडीपी राइबोसाइलेशन करता है किसकी, ये करता है इलोंगेशन फैक्टर 2 की। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि कौन से टॉक्सिन एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं तो इसका मिमोनिक होता है BCDE। बी से होगा बॉडीटुला पर्टियोसिस टॉक्सिन, सी से बनेगा कॉलरा, डी से बनेगा डिफ्थीरिया और ई से बनेगा ई कोलाई। और ई कोलाई का भी हीट लेबाल टॉक्सिन होता है, ठीक है ओके। तो क्लॉस्ट्रिडियम टैटिनी है इसका जो टॉक्सिन होता है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो क्लॉस्ट्रिडियम टैटिनी का जो टॉक्सिन है वो प्रोटीएस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये करता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है, ये बॉटुलिज्म करवाता है और इसका जो टॉक्सिन है वो भी प्रोटीएस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो प्रोटीएसिस होते हैं ये करते क्या है, ये प्रोटीएसिस क्या करते हैं, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करते हैं। अब ये वाला जो बॉटुलिनम है एसिटाइलकोलाइन के रिलीज को ब्लॉक कर देगा जबकि टैटिनी ग्लाइसिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसिल। जो क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसिल है इसका जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं ग्लूकोसाइलेशन की वजह से एक्टिवेट करते हैं, सॉरी इनएक्टिवेट करते हैं जीटीपीएस को। एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी होता है। कोलेस्टेडियम परफ्रेंजिस में जो टॉक्सिन होता है अल्फा टॉक्सिन होता है जो कि लेसिथिनेस है, यानी जो लेसिथिनेस होता है वो कोलेस्टेडियम परफ्रेंजिस का अल्फा टॉक्सिन होता है ओके, ठीक हो गया। कोलेस्टेडियम परफ्रेंजिस भी हो गया, कोलेस्टेडियम डेफिसिल भी हो गया जो कि ग्लूकोसाइलेशन से जीटीपीएस को इनएक्टिव करता है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसका जो टॉक्सिन होता है वो हम इसके टॉक्सिन को कह सकते हैं कि ये इसका टॉक्सिन एडिनालाइट साइक्लेज होता है। और इसका जो टॉक्सिन उन्होंने इसको कहाँ पे लिखा हुआ है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस का, ये प्रोटीएज वाली कैटेगरी के अंदर। यानी जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है इसके दो टाइप के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। जो एडिमा फैक्टर होता है एडिनालाइट साइक्लेज होता है जबकि लीथल फैक्टर प्रोटीएज होता है जो एमएपी माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिवेट कर देता है जो कि सेल की डिवीजन करवाती है। इसके बाद स्टाफिलोकोकस ओरियस। स्टाफिलोकोकस ओरियस के तीन होते हैं जो टॉक्सिन होते हैं, दो होते हैं सुपर एंटीजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है और आता है फूड पॉइजनिंग वाला, ठीक है ओके, ठीक हो गया। जो सुपर एंटीजन वाला है फूड पॉइजनिंग वाला है और इसके साथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला है ओके, ठीक है। जबकि जो स्कार्ड स्किन सिंड्रोम वाला है वो प्रोटीएज में बिलोंग करता है। जो सुपर एंटीजन होते हैं इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 की रिलीज को बढ़ा देते हैं। स्पेसिफिकली फूड पॉइजनिंग वाला लोकली काम करता है जबकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला ये MHC टाइप 2 के साथ जाके बाइंड करेगा और टी सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, इंटरल्यूकिन 1 और 2 को इंड्यूस कर देगा। जो स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है वो प्रोटीएज है जो कि डेस्मोग्लिन को क्लीव कर देता है। इन शॉर्ट जो प्रोटीएज के अंदर कौन कौन से आते हैं, बॉटुलिनम टॉक्सिन है, टेटनस टॉक्सिन है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन का लीथल फैक्टर है और स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है। इन शॉर्ट बैसिलस वाले आ जाते हैं, बैसिलस का लीथल फैक्टर है और टेटनस और बॉटुलिनम आ जाएगा और इसके अलावा स्कार स्किन सिंड्रोम वाला टॉक्सिन है, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है ये स्कारलेट फीवर करवाता है और ये भी सुपर एंटीजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। स्कारलेट फीवर करवाता है तो भी ये भी सुपर एंटीजन है, ठीक है। इसके बाद है ईकोलाई। ईकोलाई के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो दो टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, एक है लेबाल टॉक्सिन, दूसरा शिगर टॉक्सिन होते हैं। जो लेबाल टॉक्सिन है एडीपी राइबोसाइलेशन करता है जबकि शिगर टॉक्सिन क्या करता है, एडेनिन को रिमूव कर देगा फ्रॉम 28S राइबोसोमल आरएनए। जब रिमूव कर देगा तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है जबकि वाटर ट्यूब डायरिया करवाने के लिए एडिनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। शिगेला डिजेंट्री ब्लडी डायरिया करवाता है। जो शिगर टॉक्सिन है प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है बाय रिमूविंग एडेनिन फ्रॉम 28, यानी सेम मैकेनिज्म होता है शिगर टॉक्सिन का कि ये रिमूव कर देते हैं फ्रॉम 28S राइबोसोमल आरएनए। विब्रियो कॉलरा और बॉडीटुला पर्टियोसिस दोनों एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं। इसके अलावा बॉडीटुला पर्टियोसिस कीमोकाइन रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये सारा टेबल कवर हो गया होगा। इसके अलावा आपको बता चुका हूँ कि जो होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये हीट स्टेबल नहीं होते, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी लाइक स्टाफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन होते हैं। आपको बता दें कि वो कौन से टॉक्सिन होते हैं जिनके पास एटीपी राइबोसाइल एक्टिविटी होती है, तो उसका निमोनिक होता है BCDE। यहाँ भी उन्होंने सोडोमोनास भी ऐड कर दिया है। बी से बॉडीटुला पर्टियोसिस, सी से कॉलरा, डी से डिफ्थीरिया और ई से ई कोलाई का हीट लेबाल टॉक्सिन है। सुपर एंटीजन के अंदर स्टाफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस इसके एंटीजन आ जाते हैं पायोजीन के ओके। प्रोटीएज के अंदर टेटनस क्या आ जाते हैं, बॉटुलिनम क्या आ जाएगा, लीथल फैक्टर आ जाएगा, जबकि एडीमा फैक्टर क्या होता है, एडिनालेट साइक्लेज होता है ओके। जो लेसिथिनेस है वो कोलेस्टेडियम परफ्रेंजिस का अल्फा टॉक्सिन होता है
ठीक है। अब इनके टारगेट प्रोटीन को देख लेते हैं, जो सोडोमोनास और डिप्थेरिया एलोंगेशन फैक्टर 2 की एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं, ठीक है, जबकि ई कोलाई, हीट लेबाल टॉक्सिन, कॉलेरा और पर्टुसिस ये किसकी एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं, ये करते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन जी प्रोटीन की। किसकी करते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन, ये करते हैं जी प्रोटीन की, ठीक है। और इन दोनों की वजह से एडीनालाइल साइक्लिस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाएगा। तो शिगा टॉक्सिन है ब्लडी डायरिया करवाता है, जबकि लेबाल टॉक्सिन वाटरी डायरिया करवाता है। और लेबाल टॉक्सिन सॉरी लीथल टॉक्सिन या लीथल फैक्टर बैसिलस एंथ्रेक्सिस में था, जबकि एडिमा फैक्टर ये भी बैसिलस में था, लेकिन जो एडिमा फैक्टर है एडीनालाइड साइक्लेज होता है, और जो लीथल फैक्टर है वो प्रोटीज वाली कैटेगरी से बिलोंग करता होता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेसिव फैक्टर की तरफ। आई थिंक ये बस ये लास्ट है, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देते हैं। तो इन्वेजन के अंदर कुछ इन्वेसिव फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं। पहले हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पढ़ लेते हैं। तो पहला एंजाइम है कोलाजिनेस और हाइलोयूरिनेस। जो कोलाजिनेस और हाइलोयूरिनेस होते हैं, ये कोलाजन को हाइलोयूरिनिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किसी सबकुटेनियस टिश्यू को आराम से पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, लाइक हाइलोयूरिनेस होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन में देखने को मिलती है, ठीक है। और जो कोलाजिनेस है कोलिस्टीडियम परफ्रेंजिस लिखा हुआ एग्जाम्पल। इसके बाद है काइनेसिस। जो काइनेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, फिब्रिन की हाइड्रोलिसिस करते होते हैं। ओके, तो जो काइनेसिस होते हैं फिब्रिन की हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है लेसिथिनेस। जो लेसिथिनेस है जिसको अल्फा टॉक्सिन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, कोलिस्टीडियम परफ्रिंजिस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। हेपरिनेस थ्रोम्बोफिलीबाइटिस करवाता है, तो ये बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस और प्रोवर्टिला के अंदर होता है, और ये दोनों बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉट एंड टैरी के अंदर आपने पढ़ने हैं। इसके बाद है आईजीए प्रोटीएस। जो आईजीए प्रोटीएस होता है जिसको कोलोनाइजेशन फैक्टर भी कहते हैं, जो आईजीए प्रोटीएस होता है ये आईजीए को डिस्ट्रॉय करता है, और ये होता है निजेरिया के अंदर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के अंदर, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आईजीजी को क्लीव कर देता है। तो इन दोनों को आपने पढ़ लेना। इसके बाद है इन्वेसिव फैक्टर्स आते हैं। इन्वेसिव फैक्टर के अंदर कौन कौन से है, पहला कैप्सूल। कैप्सूल एंटीफैगोसाइटिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, निजेरिया मेनिनजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये कैप्सूल करता क्या है, फेगोसाइट को बैक्टीरिया से अडहियर नहीं होने देता, ठीक है, यानी एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करा देती है, जिसको बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है ए प्रोटीन और एम प्रोटीन। जो ए प्रोटीन होती है ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस, जबकि एम प्रोटीन होती है स्टाफिलोकोकस पायोजीन में होती है। जो एम प्रोटीन है एंटीफेगोसिटिक होती है, जबकि प्रोटीन ए होती है ये आईजीजी के एफसी पोर्शन पर जाके बाइंड कर देती है, ऑप्शनाइजेशन को इनहिबिट कर देती है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा कुछ ल्यूकोसिडिन भी होते हैं, या ल्यूकोसिडिन पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसकी, न्यूट्रोफिल की और मैक्रोफेजेस की। ये प्रोड्यूस होते हैं स्टाफिलोकोकस ऑरियस में, जिसको बोलते हैं पीवी ल्यूकोसिडिन। इसके अलावा निजेरिया गोनोरिया के पिलाई होते हैं, वो भी एंटीफैगोसाइटिक होते हैं। लाइपोटैक्विक एसिड तकरीबन सारे ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पार्ट टू वीडियो हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।